हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस के बारे में, चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस के बारे में, और हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। और इसमें मैंने आपको बताया था इसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। इसकी पहचान करने का क्या तरीका है, इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ की गई होती है वर्ब की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। इन वर्ब की हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो मैंने बताया था सिंग, सैंग, वेट, वेटेड, पोर, पोर्ड, मेंड, मेंडेड, पे, पेड, ठीक है, वेक, वॉक, टेक, टुक, ईट, एट, कम, केम, गेट, गॉट, ये इनकी पास्ट फॉर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये हमें वर्ब दे रखे हैं, इनकी पास्ट फॉर्म हमें इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। ओके, फर्स्ट है सी डैश हर हेयर, तो वॉश, वॉश की पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड। ओके, नेक्स्ट है द मैकेनिक डैश द कार। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रिपेयर, रिपेयर के हमें पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना था, मैकेनिक रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। लास्ट ईयर आई डैश टू आगरा, अब यहाँ पे गो है ना, तो गो की पास्ट फॉर्म क्या होगी, वेंट, आई वेंट टू आगरा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डैश टू द जू एन ईयर एगो, तो कम का क्या हो जाएगा, केम। ओके, नेक्स्ट है द वुमैन डैश फॉर एन आर ओवर द फोन, तो टॉक, तो टॉक की सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म क्या होती है, टॉक्ड। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6 आई डैश फ्रेंच When I was a teenager, study, study का हमें past form लिखना है, study का तो studied होता है, S-T-U-D-I-E-D, studied, okay, next है, he dash a movie on Sunday, तो यहाँ पे watch दे रखा है, watch की past form क्या होती है, watched होती है, watched होती है, okay, next है, she dash bread to the वर्ड्स, तो यहाँ पे फीड है, ओके, फीड सेकंड फॉर्म होती है एफ ई डी, यहाँ पे डबल ई है, सिंगल हो जाता है एफ ई डी। ओके, नेक्स्ट है नंबर 9 दे नेवर डैश इन इंग्लिश, तो यहाँ पे स्पीक है, स्पीक का की पास्ट फॉर्म होती है स्पोक, एस पी ओ के ई। ओके, नेक्स्ट है प्रतीक डैश टू नैनीताल फ्रॉम दिल्ली, तो ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे ड्रॉप, ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है ड्रॉप। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ये पास्ट फॉर्म्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, आपको केयरफुली अपना वर्क करना है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।